हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एक्सेलेंट कोचिंग क्लासेस। और आज का जो अपना टॉपिक है वीडियो का, क्लास 10 पोइम नंबर 5, जिसका नाम है द बॉल पोइम। और इस पोइम को लिखा है जॉन बेरीमन ने। तो इस पोइम पे कॉम्प्रिहेंशन के कौन कौन से क्वेश्चन जो है बोर्ड की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, अपन शुरू करते हैं कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन। तो पोइम का पहला इम्पोर्टेंट जो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन है वो अपन ने लिया है कि हाउ वाज द बिहेवियर ऑफ द बॉय आफ्टर लूजिंग द बॉल। हाउ यानी कैसा, कैसा था द बिहेवियर यानी व्यवहार ऑफ द बॉय, उस लड़के का, यानी उस लड़के का व्यवहार कैसा था आफ्टर लूजिंग, खोने के बाद द बॉल, बॉल को, यानी उस बॉल के खो जाने के बाद या बॉल को खोने के बाद लड़के का व्यवहार कैसा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो आफ्टर लूजिंग द बॉल, बॉल को खोने के बाद द बॉय वाज शॉक्ड, लड़का बड़ा दुखी हो गया, विथ ग्रीफ, दुख भय के मारे दुखी हो गया, या उसके खोने की वजह से वो काफी परेशान हो गया, दुखी हो गया, सदमे में आ गया। शॉक कहते हैं सदमे में आना। तो द बॉय वाज शॉक्ड, लड़का सदमे में आ गया था, विथ ग्रीफ, दुख के मारे, ही स्टूड रिजिड, और वह खड़ा हो गया, स्टूडेंट खड़ा हो गया, रिजिड कहते हैं कठोर, कठोर बन के खड़ा हो गया, और ही ट्रेम्बल्ड, ट्रेम्बल्ड कहते हैं कांपना, और वह कांपने लगा, एंड स्टेर्ड, स्टेर्ड कहते हैं एक नजर से देखना, घूर कर देखना, तो वह घूर कर देखने लगा, एट द हार्बर, हार्बर कहते हैं बंदरगाह, जहां पानी भरा है समुद्र के किनारे, उस स्थान को बोलेंगे हार्बर। तो वह उस हार्बर की तरफ, बंदरगाह की तरफ एक नजर से घूर कर देखने लगा, वेयर हिज बॉल वेंट, जहां उसकी गेंद चली गई थी। तो सीधा सा प्रश्न है कि हाउ वाज द बिहेवियर ऑफ द बॉय आफ्टर लूजिंग द बॉल, गेंद को खो देने के बाद उस लड़के का व्यवहार कैसा था। तो आफ्टर लूजिंग द बॉल, गेंद को खो देने के बाद द बॉय वाज शॉक्ड, लड़का बड़ा सदमे में हो गया था, विथ ग्रिप, दुख से, ही स्टूड रिजिड, वह कठोर खड़ा रह गया, ही ट्रेम्बल्ड, वह कांपने लगा, एंड स्टेर्ड, और घूर कर देखने लगा, एक नजर से देखने लगा, एट द हार्बर, उस बंदरगाह की तरफ, वेयर हिज बॉल वेंट, जहां उसकी गेंद चली गई थी। तो यह था अपना पहला प्रश्न। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डज द बॉय लर्न, व्हाट यानी क्या, डज द बॉय लर्न, वह लड़का क्या सीखता है फ्रॉम द लॉस, लॉस कहते हैं नुकसान से, हानि से, ऑफ द बॉल, गेंद के खो जाने से या गेंद की हानि होने से, गेंद के नुकसान से वह लड़का क्या सीखता है। तो द बॉय लर्न्स, लड़का सीखता है द नेचर ऑफ लॉस, नेचर कहते हैं स्वभाव, प्रकृति, गुण, ऑफ लॉस, लॉस कहते हैं हानि, तो हानि को सहन करने की जो प्रकृति है उसका अनुभव करता है, हानि के जो स्वभाव को वो महसूस करता है, ही कम्स टू नो, और उसको यह पता चलता है या वह यह जान जाता है दैट कि एवरीबडी लूजेज समथिंग, कि प्रत्येक व्यक्ति लूज यानी खोता है समथिंग, यानी कुछ न कुछ, प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ खोता है, वन डे, एक दिन या अदर या दूसरे दिन, तो प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में एक दिन या दूसरे दिन कुछ न कुछ जरूर खोता है इन हिज लाइफ, अपने जीवन में। तो गेंद के खो जाने से लड़का यह अनुभव करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में चाहे एक दिन या दूसरे दिन उसको कुछ न कुछ खोना पड़ता है, या प्रत्येक व्यक्ति अपनी किसी न किसी चीज को खोता है। वापस रिपीट कर देता हूँ, व्हाट वाज द बॉय लर्न फ्रॉम द लॉस ऑफ द बॉल, गेंद के खो जाने से लड़का क्या सीखता है, तो द बॉय लर्न, लड़का सीखता है द नेचर ऑफ लॉस, हानि के स्वभाव को, नुकसान के स्वभाव को सीखता है, ही कम्स टू नो दैट, और उसको यह पता चलता है कि एवरीबडी लूजेज समथिंग, कि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी चीज को खोता है, वन डे और अदर, एक या दूसरे दिन इन हिज लाइफ, अपने जीवन में, कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी चीज को खोता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर टू। इसी पॉइंट का तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब है, मनी इज एक्सटर्नल, मनी कहते हैं पैसा, धन, एक्सटर्नल कहते हैं बाह्य वस्तु, धन जो है बाहरी वस्तु है, इस पंक्ति से क्या आशय है, या इस धन, मनी इज एक्सटर्नल, इससे आपका क्या अभिप्राय है। तो ए बॉय हैज लूजेज, ए बॉय लूजेज हिज बॉल, यानी जैसा कि इस पोएम में अपन ने पढ़ा है कि ए बॉय लूजेज हिज बॉल, एक लड़का जो है अपनी गेंद को खो देता है, द प्राइज ऑफ द बॉल, प्राइज कहते हैं मूल्य, ऑफ द बॉल, उस गेंद का जो मूल्य है, इज ओनली, वो केवल ए डाइम, ए डाइम कहते हैं 10 सेंट, उस बॉल की जो कीमत है, उस बॉल का जो मूल्य है मात्र 10 सेंट है, इट इज वर्थलेस, और ये कुछ ज्यादा नहीं है, बहुत अधिक नहीं है, द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि द बॉय हैज लॉस्ट,
कि उस लड़के ने खो दिए द बॉल जिस गेंद को, महत्वपूर्ण बात यह है कि उस लड़के ने जिस गेंद को खो दिया है दैट कैन नॉट बी गेट अगेन, उसको वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता, कि उस गेंद की जो कीमत है वो मात्र 10 सेंट है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि उस लड़के ने जो गेंद खो दी है उस गेंद को वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता। इट मीन्स इसका मतलब यह है कि मनी हैज नथिंग, मनी हैज गोट नथिंग, कि पैसा कुछ भी नहीं है या पैसा कुछ भी नहीं कर सकता है। टू डू विथ आवर इमोशंस, हमारी भावनाओं के साथ पैसे का कोई संबंध नहीं है, या पैसे से हमारी जो भावनाएं हैं उनकी पूर्ति नहीं की जा सकती। इट मीन्स मनी इज एक्सटर्नल, यानी पैसा जो है वो बाह्य वस्तु है। ये था क्वेश्चन नंबर 3। इस पॉइंट का चौथा और अंतिम जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि व्हाई डिड द पोइट नॉट इंटरवन, इंटरवन कहते हैं हस्तक्षेप करना, कि कवि क्यों हस्तक्षेप नहीं करता है टू पेसिफाई, शांत करने के लिए द बॉय, उस लड़के को, यानी इस कविता में कवि जो है उस लड़के को शांत करने के लिए अपना हस्तक्षेप क्यों नहीं करता है, या कवि उसको लड़के को शांत करने में अपना जो हस्तक्षेप क्यों नहीं करना चाहता है। तो द पोइट डिड नॉट इंटरवेन, कवि हस्तक्षेप नहीं करना चाहता है टू पेसिफाई, शांत करने के लिए द बॉय, उस लड़के को, उस लड़के को शांत करने के लिए कवि जो है अपना हस्तक्षेप नहीं करना चाहता है। बिकॉज, क्योंकि ही न्यू देट, क्योंकि वह जानता है कि द हेल्प ऑफ मनी और अनादर बॉल, कि हेल्प यानी मदद, ऑफ मनी पैसे की मदद, और अनादर बॉल या दूसरी गेंद की मदद वुड बी होगी वर्थलेस, बेकार, क्योंकि कवि को यह पता है कि अगर उसको पैसा भी दे दिया गया या उसको दूसरी गेंद भी दे दी गई लेकिन वह लड़का उसको स्वीकार नहीं करेगा, यानी उसके द्वारा दी गई पैसे की मदद या दूसरी बॉल जो होगी वो वर्थलेस होगी, बेकार चीज, बेकार की बात होगी, इसलिए कवि जो है उस लड़के को शांत करने के लिए अपना हस्तक्षेप नहीं करना चाहता है। वापस रिपीट कर रहा हूँ, व्हाई डिड द पोइट नॉट इंटरवेन, कवि हस्तक्षेप क्यों नहीं करना चाहता है टू पेसिफाई द बॉय, उस लड़के को शांत करने में। तो द पोइट डिड नॉट इंटरवेन, कवि हस्तक्षेप नहीं करना चाहता है टू पेसिफाई द बॉय, उस लड़के को शांत करने में। बिकॉज, क्योंकि ही न्यू दैट, क्योंकि वह जानता है कि द हेल्प ऑफ मनी और अनादर, की पैसा या अनादर बॉल, दूसरी गेंद जो है वुड बी वर्थलेस, वो उसके लिए बेकार होगी, बिना काम की चीज होगी। तो बोर्ड की परीक्षा के लिए चारों जो महत्वपूर्ण इस पाठ के जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो अपन ने देखे हैं। इन प्रश्नों को आप याद करें, इनको अभ्यास करें, और वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अच्छे या अपने टॉपिक से संबंधित वीडियो को देखने के लिए जुड़े रहिए आप हमारे चैनल के साथ, एक्सेलेंट कोचिंग क्लासेस के साथ। थैंक यू।